स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर की क्लास टू कंप्यूटर बुक स्टडी करेंगे। उसमें हमने पहले पेज नंबर 5 और 6 स्टडी किया था चैप्टर 1 का। आज हम पेज नंबर 7 को स्टडी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 7 में क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग, इंसान और कंप्यूटर के दरमियान क्या फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स मेंशन हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। एक में कंप्यूटर बना हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड में हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या कह रहा है और ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है, आ जाएं हम इसको स्टडी करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन डूइंग कैलकुलेशन, अ ह्यूमन बीइंग इज़ स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन। कंप्यूटर्स कैलकुलेशन को बहुत फास्ट सॉल्व करता है और ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन स्लो करता है। ठीक है, जब आप लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, मैथ्स में कहा जाता है कि ये सम करना है, तो आप लोग किसी टीचर से पूछते हैं ना कि बेटा कि हम यहाँ पे क्या करें, तो फिर आप लोगों को टीचर की नीड पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर को किसी की नीड नहीं होती, वो खुद फास्ट कैलकुलेशन करता है विदाउट एनी टीचर। ठीक है, वो खुद का टीचर खुद है। अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स, अ ह्यूमन बीइंग हैज़ फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होती, ह्यूमन बीइंग के पास फीलिंग होती है। इंसान स्माइल करते हैं ना, हम स्माइल करते हैं, कंप्यूटर स्माइल नहीं करता, तो कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं हैं और इंसान के पास फीलिंग्स होती हैं। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, अ ह्यूमन बीइंग गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम। इंसान थोड़े टाइम के बाद थक जाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, कंप्यूटर को रेस्ट की नीड नहीं होती। हम जब कोई भी काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, तो हम थक जाते हैं, फिर हमें रेस्ट की नीड होती है, लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, अ ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक। कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता, गलती नहीं करता। इंसान गलती कर सकता है, इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीशन, अ ह्यूमन बीइंग कैन टेक डिसीशन। इंसान डिसीशन लेता है, ले सकता है, कंप्यूटर डिसीशन नहीं ले सकता। कंप्यूटर को कौन बताता है कि कौन सा काम करना है, इंसान बताता है। कंप्यूटर को खुद से नहीं पता होता कि वो कौन सा काम करेगा। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर डिसीशन नहीं ले सकता। और फिर हमारे पास यहाँ कॉलम जो दोनों थे वो हमने रीड कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। कंप्यूटर हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं। सम कंप्यूटर्स आर बिग, सम मीडियम साइज एंड सम आर स्मॉल। कुछ कंप्यूटर्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं और कुछ दरमियाने साइज़ के होते हैं। फिर हमारे पास हेडिंग है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहता है, सच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस। सबको पिक्चर डेस्कटॉप कंप्यूटर की शो हो रही है, ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होते हैं, घर में और ऑफिस में, और दे आर कैप्ट ऑन डेस्क, ये डेस्क पर रखे जाते हैं। दीज वर्क ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, बिजली पर काम करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज दैन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है जिसमें लैपटॉप बना हुआ है, कह रहा है कि लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से वजन में हल्का होता है और छोटा होता है साइज़ में। इट लुक्स लाइक अ ब्रीफकेस, ये किसकी तरह होता है, दिख रहा होता है ब्रीफकेस की तरह होता है। ब्रीफकेस सबके घर में होगा जिसमें हम कपड़े रखते हैं जब कहीं जाते हैं, तो ये लैपटॉप भी किसकी तरह शो होता है, ब्रीफकेस की तरह। ठीक है, अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरिड वाइल ट्रैवलिंग। लैपटॉप कंप्यूटर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी, ये भी हमारे पास किस पे काम करता है, बैटरी पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टैबलेट कंप्यूटर पर। टैबलेट कंप्यूटर इट इज़ अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर, ये मोबाइल की तरह एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। इट वर्क सिंपली बाय टचिंग स्क्रीन,
इट्स स्क्रीन, इसको हम कैसे ये काम करता है, ये हमारे पास टैबलेट शो हो रहा है, इस पे फिंगर आपने देख रहे हैं कि टच कर रही है, टच करके हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अ टैबलेट कंप्यूटर कैन बी कैरीड वाइल ट्रेवलिंग, टैबलेट कंप्यूटर को भी हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी, ये भी किस पे काम करता है, बैटरी पर, ठीक है। स्मार्टफोन, अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन विच हैज़ मैनी फीचर्स इन इट, मोबाइल फ़ोन ये शो हो रहा है, मोबाइल फ़ोन में बहुत, मोबाइल फ़ोन क्या होता है, स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह के काम हम एट अ टाइम कर सकते हैं। बिसाइड मेकिंग कॉल, जैसे कि हम इसमें कॉल्स कर सकते हैं। ऑल्स कैन ऑल्सो प्ले गेम्स, गेम्स भी खेल सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर एक्सेट्रा, पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्मार्टफोन। अब हम पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 8 पे क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। स्विच डालते हैं तब हमारा कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर चलता है, वरना नहीं चलेगा। फिर हमारे पास कुछ कंप्यूटर के एटिकेट्स हैं, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है जिसमें बच्चे कंप्यूटर में लैब में बैठे हुए हैं और बहुत शोर कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, डू नॉट मेक नॉइस इन अ कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर की लैब में शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की लैब में शोर नहीं करते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर, टीचर आपको जो बताएं कंप्यूटर की लैब में आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। नाउ यू नो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज कंप्यूटर एंड इज़ कैप्ड ऑन अ डेस्क टू वर्क, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर बना हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास दरमियाना साइज़ का कंप्यूटर होता है और इसको हम कहाँ पर रख के काम करते हैं, डेस्क पर रख के काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरीड वाइल ट्रैवलिंग एंड कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी, लैपटॉप कंप्यूटर को भी हम सफ़र के दौरान ले जा सकते हैं कहीं भी, और फिर ये काम किस पे करता है, बैटरी पर। अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर, टैबलेट भी हमारे पास एक छोटा मोबाइल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन विच हैज़ न्यू फीचर्स इन इट, स्मार्टफोन भी मोबाइल फ़ोन है, उसमें स्मार्टफोन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास बहुत तरह के फीचर्स होते हैं, बहुत तरह के काम एक टाइम में हम कर सकते हैं। अब पेज नंबर 9 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 9 में क्या कह रहा है, पेज नंबर 9 ये रहा, पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है पी सी, पी इज़ पर्सनल एंड सी इज़ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर एंड कैन फिट ऑन योर लैप, लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और आराम से आपके लैब में फिट हो सकता है, ठीक है। ये हमारी की टर्म्स थी जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।